त्रिपुरा में 8 जिले हैं, 8 जिलों में 8 मंत्री को भेजा गया है। आज साउथ जिले में मुझे भेजा गया है। मेरे साथ यहाँ पे हैं हमारे यहाँ पे विधायक जी, सीएमओ साहब हैं, एसडीएमओ साहब हैं। यहाँ पे 3 स्कूलों पे हम गए जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन ड्राइव देखा। बहुत ही अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो चल रहा है। और हम लोगों का जो लक्ष्य है, भारत को या त्रिपुरा को कोरोना मुक्त बनाना है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए त्रिपुरा सरकार ने 15 से 18 तक के जो एज ग्रुप है उसमें हमने 2,13,000 का टारगेट लिया है वैक्सीनेशन का। तो बहुत 42% हमने कवर किया है, जो नेशनल एवरेज के साथ एट पार है, एक साथ है। और हमें उम्मीद है, आशा है कि आज की डेट और कल की डेट, जो 3 दिन का जो डेट है स्पेशल ड्राइव का, इन 3 दिनों में हम 2,13,000 का जो टारगेट हमने लिया है उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। तो मैं बधाई देता हूं यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, सीएमओ साहब, एसडीएमओ, डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर बन के उभरे पिछले दिनों कोरोना को वहाँ पे हराने के लिए। राज्य सरकार ने बहुत मदद किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मदद किया, और जो टीचर हैं यहाँ पे वो भी फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम सब मिलके एकजुट होकर कोरोना को हराएंगे, यही हमारा दावा है, यही हमारा विश्वास है। अभी पाबंदी है, बहुत कुछ पाबंदी है, एक साथ एकजुट भीड़ में जाना, हमारे रैलियों में पाबंदी है, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अगरतला म्यूनिसिपल की एरिया में वहाँ पे 50% को, मतलब जो ऑफिशियली अटेंडेंस 50% कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है पूरे स्टेट में जहाँ पे 10% है उसका पॉजिटिविटी रेट, अगरतला म्यूनिसिपलिटी में वो 24% बन चुका है। टेस्टिंग जिसके पास हो रहा है उसका, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिविटी टेस्टिंग के बाद मालूम पड़ता है, लेकिन जिसको टेस्टिंग नहीं होता उसको कुछ पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमें सबको बचाना है। पिछले दिनों हमने बहुत जने को खोया है, अपना आदमियों को, हम इस बार ये खोना नहीं चाहते। इसीलिए सरकार पहले से ही बहुत ही जागरूकता के साथ लोगों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आशा है कि भारत जो कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई हमने शुरू किया है, त्रिपुरा सरकार भी कंधे से कंधा मिला के